सर, इतने सालों बाद इस हवेली में कदम रखा है, बिल्कुल नहीं बदली, नॉट एट ऑल चेंज। बॉस, मकान, मंदिर और जेल इतनी जल्दी नहीं बदलते। हेलो मामा जी। हेलो सिस्टर, ये आपकी छोटी वाली बेबी है। बड़ी कहाँ है? नहीं है। कैसे मामा जी? बिल्कुल ठीक। अरे अरे बेटी, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसके माँ बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गए थे, इसीलिए सबको अपना समझता है। इसका पेट खराब था भैया, ये तुम्हारा छोटा भांजा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन नौजवान है जो मुगले आजम के सलीम की तरह इस तरह बैठा हुआ है? इसकी डिटेल क्या है? कौन हो भाई तुम? वो क्या है मुन्ना, कि माँ जी अभी मेरे बारे में कुछ कहने के मूड में नहीं। मैं अपनी तारीफ खुद ही किए देता हूं। मैं राजा हूं, दुर्गेश्वरी देवी का जमाई राजा, आपकी भांजी का पति। इतनी डिटेल काफी है, कुछ और दूं? काफी है, काफी है। कॉफी लेकर आऊं? भाई कुछ भी कहो, तुम दोनों की जोड़ी है बड़ी खूबसूरत, जैसे राम और सीता की जोड़ी, रावण और मंदोदरी की जोड़ी। दीदी, तुमने मुझे अपने दामाद के बारे में बताया क्यों नहीं? कितना खूबसूरत और हसीन नौजवान है। मुझे सख्त अफसोस है कि मैं ये शादी अटेंड नहीं कर सका, लेकिन कम से कम तुम मुझे चिट्ठी तो लिख देती। बॉस, किस पते पर लिखती? बेबी सी बिल्कुल सही कहता है, किस पते पर लिखती? भाई उस आदमी का क्या पता ठिकाना, जो आज न्यूयॉर्क में है, कल लंदन में है, परसों तिहाड़ जेल में। दीदी कुछ भी कहो, लड़का बिल्कुल लड़की से मेल खाता है, और इसकी रईसी तो इसकी सूरत से टपकती है। टपक टपक। ओ, तभी तो कारपेट इतना गीला है। वो इनकी नहीं, कुत्ते की रईसी की वजह से है। तुम थक गए होंगे, जाकर आराम करो। धीरज, अपने मामा का कमरा दिखा दो। जी बहुत थक। अरे मेरे क्या लेकर निकाला? मोटा बोला ना, फ्राइड अंडा और गाजर। यार रेखा, तुम्हारा ये डीडीटी मामा अमेरिका से नहीं, अंडमान से आया हुआ लगता है। तुम तो हर बात को मजाक बना देते हो, बुरी आदत है। बस किसी भी तरह रेखा का दिल उसकी तरफ से हट जाए, दोनों अलग हो जाए और ये घर जमाई घर से बाहर निकल जाए। मैं और कुछ नहीं चाहती। बस इतनी सी बात। सिस्टर, when I was in America, तो इस तरह की समस्याएं तो मैं से हल कर देता था, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। नो ऑफ कोर्स मैडम, एक बार तो मेरे बॉस ने लोहे की सलाखें भी टेढ़ी करने की कोशिश की थी। क्या? एक्चुअली सिस्टर, हुआ ये था कि हमारे ऊपर के घर में आग लग गई थी और हम दरवाजे से नीचे जा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने खिड़की की सलाखों को टेढ़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन सलाखें टेढ़ी हो नहीं पाई और हम लोग पकड़े गए ना। बीबी सी, डिटेल अभी नहीं, डिटेल बाद में। तो फिर क्या रास्ता है भैया? पैसा दीदी, पैसा, मनी। तुम्हारा दामाद गरीब घर का है, सबसे पहले उसे पैसे से खरीदने की कोशिश करो। तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? क्योंकि वो एक औरत है और मैं एक मर्द हूं, और दुनिया में अक्सर मर्द ही औरत से शादी करता है, कोई शक? एक मर्द एक औरत से शादी कर सकता है, लेकिन एक भिखारी एक राजकुमारी के साथ शादी नहीं कर सकता। मेरे पास कितना रुतबा है, कितनी शानो शौकत, कितनी दौलत, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास वो कुछ भी नहीं जो आपके पास है, लेकिन इतना पैसा है कि एक मंगलसूत्र खरीद सकता हूं, इतनी ताकत है कि कमा कर खिला सकता हूं, और इतनी मर्दानगी है कि बच्चे पैदा करके आपको नानी बना सकता हूं। एक औरत से शादी करने के लिए मर्द को और किस चीज की जरूरत होती है? धंधे की बात करो। तुम मेरी बेटी को भूलकर इस घर से चले जाने की कीमत क्या लोगे? ये रहा चेकबुक, मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तुम अपनी कीमत भर लो। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बेटी को इतना सस्ता समझती हैं और उसकी कीमत सिर्फ कुछ रुपयों में लगा सकती हैं। आप पैसे देकर अपनी बेटी खरीदना चाहती हैं, मगर मैं पैसे लेकर अपनी बीवी बेचना नहीं चाहता। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को धोखा देकर उससे शादी की। बदला तो जरूर लेना था मुझे आपसे, लेकिन मैंने रेखा से प्यार आपसे बदला लेने के लिए नहीं किया। मैं रेखा को तब से प्यार करता हूं जब मुझे पता भी नहीं था कि वो आपकी बेटी है। मैंने बहुत दुनिया देखी है, तुमने मेरी भोली भाली बेटी को अपनी बहन के आंसुओं से खरीद लिया होगा। अपनी बहन के आंसू पोंछने के लिए मेरी आस्तीन काफी है दुर्गेश्वरी देवी, उसके लिए मेरी बीवी के आंचल की जरूरत नहीं है। बहुत गरूर है तुम्हें अपनी ताकत का। भरोसा है मुझे अपने प्यार पर दुर्गेश्वरी देवी, भरोसा। मैं ये प्यार खत्म करवा कर रहूंगी,
अभी तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वो चाल चलूंगी कि रेखा तुमसे नफरत करने लगेगी। मैं उससे तुम्हारा तलाक करवा कर रहूंगी, मैं अपनी बेटी वापस लेकर रहूंगी। जो मर्द अपने प्यार के बंधन की हिफाजत नहीं कर सकता वो मर्द नहीं, जो औरत अपने प्यार के बंधन को तोड़ना चाहती वो औरत नहीं। फिर भी आप पूरी कोशिश कर लीजिए, देखना आप कितनी औरत साबित होती है और मैं कितना मर्द। मर्द? अपनी बीवी को खिलाने के लिए तुम्हारे पास मुट्ठी भर आटा तक नहीं। तुम कब तक मेरी बेटी के साथ अपने सपनों का संसार बसाए रहोगे? मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, तो क्या अपनी बेटी का दिल नहीं खरीद सकती? मैं उसे अमेरिका ऐसा चस्का लगा दूंगी कि वो तुम्हें भूल जाएगी। वो जिस शानो शौकत को ठोकर मार कर तेरे साथ चली आई है वहीं वापस लौट जाएगी। मैं उसे ऐशो आराम की दुनिया की ऐसी सैर कराऊंगी कि उसकी मखमली जिंदगी में तुम टाट का पैबंद लगने लगोगे जिसे वो उतार कर फेंक देगी। मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो अपने दिल से तो क्या, अपने घर से भी तुम्हें निकाल बाहर कर देगी। ये मेरा वादा है। आप सपना देख रही हैं दुर्गेश्वरी देवी, दिल दौलत से ज्यादा ताकतवर होता है, प्यार के आगे गुरूर भी सर झुका देता है, मगर जिसकी आंखों पर चांदी के सिक्के चिपके हो वो इस सच्चाई को देख नहीं सकता। मगर मैं ये सच आपको दिखा कर रहूंगा, मैं आपको अकेला कर दूंगा दुर्गेश्वरी देवी, और आपको उस हाल में पहुंचा दूंगा जहां आप अपनी झूठी शान के साथ आसमान से एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए सीधा जमीन पर आ जाएंगी। ये मेरा वादा है। मेरी शान मेरी लाश के साथ ही गिरेगी, उससे पहले नहीं। मेरी दौलत मेरी मौत से पहले मेरा साथ नहीं छोड़ सकती, और जब तक ये दोनों मेरे पास हैं, लोग मेरे इशारों पर नाचते रहेंगे और मैं नचाती रहूंगी। मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आप मेरी बहन को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आए और मेरे कदमों में अपना सर झुकाए। अच्छा जी, मुझे जीतने की बहुत बुरी आदत है। और हारना मैंने आज तक सीखा नहीं। मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ, मगर आजकल मैं छाया हूँ। तुमने अभी तक मेरे शोले नहीं देखे, शराफत देखी है। जिस दिन शराफत छोड़ दी मैंने, उस दिन कोई भी तुम्हारा रखवाला बनने से इनकार कर देगा। मैंने आपका अंदाज देखा है, लेकिन आजकल मेरा तेजाब शबाब पर है। तुम अभी नए परिंदे हो, ये मत भूलना कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। 100 दिन का सपना भूल जाइए ड्रीम गर्ल जी, और आंखें खोल कर देखिए, आपके सामने आज का मिस्टर इंडिया खड़ा है। ओ ठीक है, लेकिन एक शर्त है। फरमाइए। मेरी बेटी को मेरी और तुम्हारी लड़ाई का पता नहीं चलना चाहिए। सर्टनली नॉट, आई एम अ जेंटलमैन, मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैं अपनी तरफ से उसे कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपके आंसुओं ने अपनी जुबान खोल दी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर मेरे आंसू निकल आए तो मेरा नाम दुर्गेश्वरी देवी नहीं। अगर मैंने भी आपकी नींद हराम नहीं कर दी तो मेरा नाम भी सबको मालूम है यार। हमने जितनी भी जेलें अटेंड की है ना, आई टेल यू उनमें से दिस इज द बेस्ट। आई थिंक यू टेक रेस्ट, दीदी आ रही है। उसने शर्त लगाई है कि वो मुझे अपनी बहन से माफी मंगवाएगा और मुझे अपने कदमों पर झुकाएगा, इसलिए मेरा दामाद बना है, मेरी बेटी का फायदा उठा रहा है। आई टेल यू दीदी, इज अ थर्ड रेट पर्सन, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। पहले ये बताओ, उनकी सुहागरात तो नहीं हुई ना? नहीं अभी नहीं। तो फिर ये सुहागरात होगी भी नहीं।